देखिए राजीव जी, ये जो प्रश्न है बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने उठाया भी था कि वो चाहते थे कि पूरब से पश्चिम की ओर हो, और ये बात कहा जब जा रहा है कि चुनाव आयोग ने मेरी बात नहीं मानी, शायद ये दर्शाने के लिए कि भाई चुनाव आयोग तो स्वतंत्र निर्णय लेता है, हमारी भी बात नहीं मानता है। तो बीजेपी की मांग थी कि पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ा जाए। ये पैटर्न जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कराने का है अभी तक यही रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर रहा है फेज वाइज। पिछले चुनावों को भी देखें तो वो पैटर्न बदला नहीं है। यह बात अलग है कि इस चुनाव में राजनीतिक परिदृश्य बदला है। जब पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ेंगे तो पश्चिम वो क्षेत्र है जहां पर कि किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव है और उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये इस प्रश्न का जहां तक ताल्लुक है वो इसी तरीके से है। पर आज जो चुनाव आयोग की घोषणा हुई, इसमें देखिए इस चुनाव आयोग की घोषणा को विपक्ष किस नजरिए से लेता है, यह भी एक चुनाव का मुद्दा होने वाला है। अगर किसी तरीके से इसमें मीनमेख निकाली जाती है, निकाला जाता है, तो वो मुद्दा होगा कि देखो जो डर रहे हैं वो चुनाव आयोग में कमियां खोज रहे हैं, और इस तरह से ये मुद्दा होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन मुद्दे तो बनाए जाते हैं जिसके पास जो शक्ति होगी, और इस चुनाव में जब इसको ज्यादा अब इस क्या बोलते हैं दूर से संचालित किया जाएगा, मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उसके माध्यम से होगा, और पब्लिक से इंटरेक्शन जो है बहुत सीमित कर दिया गया है कि एक प्रत्याशी 5 लोगों के साथ ही घूम सकता है। ये है, हालांकि ये नियम पहले भी पश्चिम बंगाल में भी थे, आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आयोग ने कहा था कि डोर टू डोर कैंपेन जो होगा 5 लोगों से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो हमने पहले भी कहा था राजीव जी आपके इस प्रोग्राम में कि चुनाव कैंसिल नहीं होंगे, चुनाव होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव चाहती है। आपदा में अवसर उसका नारा ही नहीं, उसका उसकी जीवन पद्धति है। उस हिसाब से इस ये जो आपदा का की स्थिति बनी है उसमें ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए बनकर आई है कि कोविड प्रोटोकॉल इस तरीके से लाए जाएं जिसका कि फायदा उठाया जा सके। कोविड प्रोटोकॉल सबके लिए होगा कि 5 लोग ही उम्मीदवार के साथ जा सकते हैं, लेकिन जब कोविड प्रोटोकॉल टूटेंगे, उसका पालन जब नहीं किया जाएगा, तो उसको कौन रोकेगा? जाहिर बात है जो सत्ता में होते हैं, जो शासन में होते हैं, वही कोविड प्रोटोकॉल को लागू भी करा सकते हैं, वही उसका किसी को फायदा या किसी का नुकसान भी करा सकते हैं। तो विपक्ष को नुकसान तो होना ही है कि कोविड प्रोटोकॉल में जब वो गलत पाए जाएंगे तो उनके ऊपर पनिशमेंट होगा, लेकिन सत्ता पक्ष पर कोई इसका फायदा मिलेगा? ये इसकी पूरी तैयारी है, आशंका भी है, और हमने पहले पिछले के चुनाव में देखा भी है। एक और बात बताएं, जैसे बंगाल में जब चुनाव की घोषणा हो रही थी तो उस वक्त मैंने डेटा निकाला हुआ है, 26 फरवरी को अनाउंस हुआ था 2021 में, तो 16,562 केस थे पूरे देश में, पूरे देश में 16,562 कोविड के केसेस थे। और आज जब अनाउंस हो रहा है, आप दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर भी, नीचे स्क्रॉल में चल रहा है, 1.4 लाख कोविड के केसेस हैं। तो उसके बाद थोड़ा और हम याद दिलाना चाहेंगे, जब कुंभ का भी वही दौर था, कुंभ लगा था, उसके बाद दो शाही स्नान भी हो गए थे, तब नरेंद्र मोदी जी को ख्याल आया था कि कुंभ रोका जाना चाहिए, और प्रतीकात्मक कुंभ की उन्होंने घोषणा की थी। वो घोषणा 17 अप्रैल को जब उन्होंने की थी तब आग्रह किया था संतों से और माना गया था उस प्रतीकात्मक कुंभ को। तब कोविड का आंकड़ा 2,60,895 मैंने नोट कर रखा है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की रैली 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में रद्द हुई थी, और इसको रद्द करने की घोषणा 22 अप्रैल को 5:24 पर शाम में नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके की थी। तो अब 22 अप्रैल मैं नोट इसलिए कर रहा हूं कि 22 अप्रैल को शाम में जब उन्होंने ट्वीट किया था तो उसी दिन ट्वीट क्या किया था कि हम रैली रद्द कर रहे हैं। उस दिन आंकड़ा 3,32,531 का था, बहुत चिंताजनक स्तर पर था कोविड का संक्रमण। लेकिन उस दिन जब नरेंद्र मोदी रैली रद्द कर देते हैं तब चुनाव आयोग रात में 4:30 घंटे बाद 10 बजे जागता है और दिशा निर्देश अपलोड करता है अपनी वेबसाइट पे। ये लिखित बात है, हमने उस समय आर्टिकल भी लिखा था इस विषय पर कि प्रधानमंत्री जी जब रद्द कर देते हैं तब वही आचार संहिता बन जाती है, चुनाव आयोग उसको अपलोड करता है कि अब रैली नहीं होगी और रैली 500 से कम लोगों की होगी और इस
जितनी आचार संहिता है सब लागू कर दी जाती है। तो ये जो आपदा में अवसर का उदाहरण मैं तब इसलिए याद दिला रहा हूं कि यही इस दौरान भी हो सकता है या होने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग भी वही है और बीजेपी यहां भी सत्ता में, हालांकि पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं थी तो कोविड प्रोटोकॉल का उस तरीके से दुरुपयोग नहीं हो पाया जितनी की आशंका यहां है, ये बात भी स्पष्ट है। तो अब हम यहाँ इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, तो वो ये देखते हैं, एक तो महत्वपूर्ण बात छूट रही है जो मैं ये इस वक्त बोल देना चाहता हूँ, चूंकि बाद में शायद दिमाग से उतर जाए, वो ये है कि इसमें एक बात मैंने मार्क की है कि इस बार वो जो पोस्टल बैलेट होता है या जो सर्विसमैन जो वोट डालते हैं वो वोट डालने में अब कोविड का संक्रमण जो इनको होगा वो भी इसका फायदा उठा सकेंगे। ये बहुत मार्केबल बात है राजीव जी, बहुत मार्केबल बात है और चुनाव को प्रभावित करने वाली बात है, क्योंकि कोविड का संक्रमण अभी जित तेजी से बढ़ रहा है और तब तक जो आएगा वो लाखों में होंगे और उत्तर प्रदेश में भी इसकी संख्या बहुत ज्यादा होगी, अभी हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे कि कितना होंगे उत्तर प्रदेश में, और उन सबको पोस्टल बैलेट जैसी सुविधा दी जाएगी, ऐसी व्यवस्था की जाएगी, तो ये कैसे सुरक्षित रहेगा चुनाव, कैसे, क्योंकि पोस्टल बैलेट में आप जानते हैं कि पटना का बिहार का उदाहरण रख लीजिए, पोस्टल बैलेट को शुरू में गिनने की परंपरा होती है लेकिन उसको किसी न किसी कारण से विवादास्पद बना करके अंतिम में गिना जाता है और इस तरीके से कुछ वोटों का हेर फेर करके चुनाव जो है इधर से उधर कर दिया जाता है, ये उदाहरण हमने बिहार में देखा है। तो उसको अगर देखते हैं तो ये बहुत वाइटल पॉइंट आने वाला है, ये आप समझ लीजिए कि कोरोना संक्रमित लोग अगर पोस्टल बैलेट जैसी सुविधा का उपयोग करेंगे और वोट देंगे, ये सुविधा तो बहुत अच्छी है लेकिन इसका जो आपदा में अवसर जो है वो बना रहा है सिचुएशन कि इसका दुरुपयोग होगा, ये बोलना बहुत जरूरी बात है और इसको, इस पर चर्चा होनी चाहिए, कैसे सिक्योर होगा, राजनीतिक दलों को इस पर ध्यान देना चाहिए बनिस्पत इस पे कि चुनाव का कार्यक्रम क्या है और नहीं है। चुनाव आयोग ने निश्चित रूप से पिछले अनुभव से सीखा है, पश्चिम बंगाल के समय में अगर 28 मार्च से लेकर के 3 मई तक चुनाव प्रक्रिया चली थी, 8 चरण बंगाल को झेलना पड़ा था, तो उस हिसाब से एक महीने में ही उत्तर प्रदेश में 6 चरण होने जा रहे हैं, 7 चरण होने जा रहे हैं, एक महीने के भीतर 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच, तो वो थोड़ा समय तो कम है, लेकिन ये तमाम आशंकाएं हैं, इन आशंकाओं के बीच विपक्ष को यह भी देखना है कि हम केवल इसी बात में ना उलझे रह जाएं कि चुनाव का ये जो आया है पूरा रूटीन वो उस पर ना उलझे, बल्कि मुद्दों पर उलझे, उनके सामने चुनौती बहुत ज्यादा है। वर्चुअल जो रैली होती है, आप इसमें हम लोग गौर करते हैं कि वर्चुअल रैली क्या होती है, मान लीजिए कि आप भी अपने यहां से बैठ करके वर्चुअल कर रहे हैं ना, हम लोग वर्चुअल बैठे हैं, मैं भी वर्चुअल, लेकिन मतदाता तो या श्रोता उस समय वर्चुअल नहीं रह जाता, वो तो फिजिकल प्रेजेंट होता है ना, बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी होती है, सामने में वोटर्स होते हैं, सुनने वाले होते हैं, तो वर्चुअल तो नेता के लिए है, कोविड से वो बचेंगे, फंसेंगे तो वोटर, कोविड से वोटर कैसे बचेगा, चाहे अखिलेश यादव जी नरेंद्र मोदी जी मंच पर मौजूद नहीं होंगे, अपने घर से रैली कर ले, लेकिन एलईडी देखने के लिए तो दर्शक ही मौजूद होगा, तो वहां पर कोविड का फिर वही सवाल आ जाता है। तो इस चीज का, ये सुविधा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जाहिर बात है जो संपन्न पार्टियां वही कर पाएंगी, जो निर्दलीय का तो छोड़ दीजिए, उनका तो अब चुनाव लड़ने का अधिकार भी खत्म कर देना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी ही लड़े, जिनके पास पैसा हो वही चुनाव लड़े, क्योंकि ये सारी चीजें वो लोग कैसे, कोई निर्दलीय कैसे अफोर्ड कर सकता है। जी जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल आप